नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिवा ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं आपके लिए DRDO MTS रिक्रूटमेंट 2020 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैंने केवल वही सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि DRDO के एग्जाम में पिछले कई बार पूछे जा चुके हैं। तो दोस्तों, ये जो 10 क्वेश्चंस होंगे इस वीडियो में, ये कई बार रिपीट हो चुके हैं पिछले एग्जाम्स में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस देश को मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए नॉर्वे, ऑप्शन बी है दोस्तों आपका जापान, ऑप्शन सी स्विट्जरलैंड एंड ऑप्शन डी है दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नॉर्वे। जी हाँ दोस्तों, मध्यरात्रि के सूर्य का देश नॉर्वे को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? साइना नेहवाल किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ऑप्शन है आपके बैडमिंटन, ऑप्शन बी है दोस्तों आपका फुटबॉल, ऑप्शन सी है आपका टेनिस एंड ऑप्शन डी है दोस्तों आपका हॉकी। तो आपको बताना है कि साइना नेहवाल जो हैं वो किस खेल से जुड़ी हुई हैं। तो दोस्तों, साइना नेहवाल बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं और इन्होंने हाल ही में बीजेपी पार्टी को भी ज्वाइन किया है। तो दोस्तों, साइना नेहवाल जो हैं वो बैडमिंटन की एक बहुत ही अच्छी खिलाड़ी हैं और इन्होंने अभी लास्ट ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल भी जीता था, सॉरी दोस्तों सिल्वर मेडल जीता था और ये उप विजेता रही थी। तो दोस्तों, साइना नेहवाल जो हैं वो तेलंगाना राज्य की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर कितने दिनों में लगाता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए 365 सही 1/4 दिन, ऑप्शन बी 1 दिन में, ऑप्शन सी 365 दिन में एंड ऑप्शन डी 28 दिनों में। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 28 दिनों में। जी हाँ दोस्तों, चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर 28 दिनों में लगाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, वर्ष 2016 में निम्न में से ओलंपिक में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते थे? वर्ष 2016 निम्न में से ओलंपिक में सर्वाधिक पदक किस देश ने जीते? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए ग्रेट ब्रिटेन, ऑप्शन बी रूस, ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका एंड ऑप्शन डी जापान। तो दोस्तों, 2016 का जो ओलंपिक था उसमें सर्वाधिक पदक जीते थे संयुक्त राज्य अमेरिका ने। तो क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी संयुक्त राज्य अमेरिका। क्वेश्चन नंबर 5 है, चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? चुनाव आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके दोस्तों, ऑप्शन ए नई दिल्ली में, ऑप्शन बी बिहार में, ऑप्शन सी पंजाब में एंड दोस्तों आपका ऑप्शन डी है गुजरात में। तो क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए नई दिल्ली। जी हाँ दोस्तों, चुनाव आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो दोस्तों, इस वीडियो की जो PDF फाइल होगी वो आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से और हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, निम्नलिखित में से किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? निम्न में किस राज्य में समुद्र तट नहीं है? ऑप्शन है आपके गोवा, ऑप्शन बी है दोस्तों उड़ीसा, ऑप्शन सी है गुजरात एंड ऑप्शन डी है दोस्तों आपका मिजोरम। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी मिजोरम। जी हाँ दोस्तों, गोवा, उड़ीसा और गुजरात इन तीनों ही राज्यों के समुद्र तट हैं, केवल इनमें मिजोरम एक राज्य ऐसा है जिसका समुद्र तट नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7, लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि पूरा होने से पहले ही भंग कर सकता है? लोकसभा को कौन 5 वर्ष की अवधि होने से पूर्व ही भंग कर सकता है? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन ए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर, ऑप्शन बी है प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी राष्ट्रपति अपने विवेक से एंड ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन ए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के अनुमोदन पर लोकसभा को 5 वर्ष की अवधि पूरे होने से पहले ही भंग कर सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 8, एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो ऑप्शन है आपके जूनको टवाई, ऑप्शन बी शेरपा लखपा, ऑप्शन सी बछेंद्री पाल एंड ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने वाली भारत की पहली महिला थी बछेंद्री पाल। जी हाँ दोस्तों, बछेंद्री पाल भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने एवरेस्ट फतेह की थी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा आज का, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के रास्ते को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आपके कॉस्मिक हाईवे, ऑप्शन बी रूट, ऑप्शन सी आकाश गंगा एंड ऑप्शन डी है दोस्तों ऑर्बिट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन डी ऑर्बिट। जी हाँ दोस्तों, सूर्य के चारों तरफ किसी ग्रह के जो रास्ता होता है उसके लिए हम ऑर्बिट कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी ऑर्बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा आज का क्वेश्चन नंबर 10, जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? जवाहरलाल नेहरू का जन्म कब हुआ? तो ऑप्शन है आपके ऑप्शन ए 14 नवंबर 1889, 5 सितंबर 1879, 2 अक्टूबर 1879 एंड 5 नवंबर 1889। तो क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों आपका 14 नवंबर 1889। जी हाँ दोस्तों, 14 नवंबर के लिए जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलने से ये थे दोस्तों आज की इस वीडियो हमारी, इसमें केवल 10 क्वेश्चंस थे। तो कैसी लगी ये वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें दोस्तों, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आपसे किसी भी इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो और आप रहें एकदम अप टू डेट। तो चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।